नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ धवन स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल ऑनलाइन स्कूल ऑफ फोटोग्राफी पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज ल्यूनर इक्लिप्स है, यानी कि चंद्र ग्रहण। अगर आप सोलर फोटोग्राफी करने का शौक रखते हैं तो आज आपके लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि आज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ल्यूनर इक्लिप्स है, यानी कि चंद्र ग्रहण। और आज मैं आपको चांद की तस्वीर खींचने के लिए एक बहुत ही एडवांस कैमरा सेटिंग बताऊंगा। जो लोग फोटोग्राफी की लाइन में एकदम नए हैं, उनके लिए यह सेटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज जो मैं सेटिंग आपको बताऊंगा वह कैनन सेटिंग होगी, कैनन के कैमरा की सेटिंग। और वह सेटिंग सेम टू सेम आप नाइकन के कैमरा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस थोड़ा दिखने में अलग होगा। निकॉन के कैमरा में वैसे सारी सेटिंग सेम ही होगी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू कैप्चर मून विदाउट एनी एक्सपेंसिव गियर, यानी कि हम चांद को कैसे कैप्चर कर सकते हैं अपने कैमरा में बिना किसी महंगे सामान के जरिए, यानी कि बिना किसी महंगा लेंस के जरिए, बिना किसी महंगे ट्राइपॉड के जरिए, या कुछ ऐसा कोई इक्विपमेंट्स हम यूज नहीं करेंगे। जो मैं आज आपको एक तरीका बताऊंगा सेटिंग का, कैमरे की सेटिंग का, कि उसमें आपको कोई भी ज्यादा महंगा सामान इस्तेमाल नहीं होगा, बस एक ट्राइपॉड और एक कैमरा। व्हाट इज कैमरा सेटिंग फॉर कैप्चर मून इन DSLR, यानी कि क्या कैमरा सेटिंग रखें कि जब हम मून को कैप्चर कर रहे हों अपने DSLR में, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह होगा आपका कैमरा और उसके ऊपर गोल घूमने वाला बटन होगा। यहाँ पे आप मेरा कर्सर देख रहे हैं जो घूम रहा है। यहाँ पे आपका एक गोल घूमने वाला बटन होगा, उस पे यहाँ पे एक M लिखा होगा और एक ये वाइट कलर का एक निशान बना होगा। उस M को, M यानी कि मैनुअल मोड, अपने कैमरा को ऑटो से हटा के सबसे पहले मैनुअल मोड पे ले आएं। मैनुअल मोड, M और ये लाइन दोनों आपस में सामने सामने होनी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें, तभी वह सेटिंग एक्टिवेट होगी आपके कैमरा में। तो चलिए अगले सेटिंग होती है हमारी मैनुअल मोड पे आने के बाद। और जो लोग मैनुअल मोड पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, वह इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुने जो मैं अब आपको बताऊंगा। दोस्तों, जब आप मैनुअल मोड सिलेक्ट कर लेंगे तो यह जो स्क्रीन आप देख रहे हैं सामने, यह स्क्रीन, यह कैनन के कैमरा में दिखाई देती है, ठीक है दोस्तों। और यह जो हमारी, ये जो सबसे पहले जो हमें सेट करना है वह ये चीज़ है। मैं आपको एक मार्कर से दिखा देता हूँ, पेन से, ओके। ये जो आप देख रहे हैं, ये होता है हमारा एक्सपोजर। एक्सपोजर को हमें सेट करना है 1/250 पे। इस सेटिंग को आप ध्यान से सुन लीजिएगा, एक्सपोजर को हमें सेट करना है 1/250 सेकेंड पे, ओके दोस्तों। इसे आप सेट करने के बाद अब हमें सेट करना है अपर्चर। अपर्चर यहाँ से आपका एक राइट का क्लिक होगा इधर इन बटन्स पे, यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इस अपर्चर पे आ जाएंगे, ठीक है। या इसका आप मूव वाला होगा, गोल घुमाने वाला, तो आप इसे गोल घुमा के भी अपर्चर पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार आप अपर्चर पे आ जाएंगे, यहाँ पे इस वाली जगह पे, यहाँ पे इसे सेट करना है f8.0 पे। दोस्तों, इसे f8.0 पे ही सेट करना है। जो लोग मैनुअल मोड की नॉलेज रखते हैं उन्हें ये काम करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो लोग प्रीसेट्स का यूज़ करते हैं फोटोग्राफी करते समय, जैसे कि ऑटो मोड और दूसरे काफ़ी सारे मोड्स हमारे कैमरा में ऑलरेडी होते हैं, अगर आप उन मोड्स का यूज़ करते हैं, कृपया उन मोड्स का यूज़ करना छोड़ दीजिए और मैनुअल मोड्स पे ध्यान दीजिए अगर आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना है। तो जैसा कि मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ, मैं अभी आपको एक्सपोजर की सेटिंग बता चुका हूँ, अब हम आए हैं अपर्चर। अपर्चर को रखना है f8.0 पे। और अब बात आती है ISO की। ISO पे आपको यहाँ पे नेक्स्ट करके इधर बटन दबा के यहाँ पे बटन दबा के आपको फिर दोबारा यहाँ पे ISO पे आ जाना है। ISO को रखना है 200 पे। ध्यान रखिए दोस्तों, ज़्यादा ISO बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ISO हमें 200 पे ही रखना है। ये ISO क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, एक्सपोजर क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता वह मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। आज मैं आपको सिर्फ एक सेटिंग बता रहा हूँ कि ये सेटिंग करके आप बड़े अच्छे तरीके से मून को कैप्चर कर सकते हैं। तो ISO ज़्यादा बिल्कुल मत रखिएगा, 100 से लेकर 200, मैं 200 से ऊपर जाने का रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, 200 तक ही से रखिएगा, ठीक है दोस्तों। 200 पे रखने के बाद अब हम यहाँ पे आते हैं स्पॉट मीटरिंग मोड पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब आप स्पॉट मीटरिंग मोड पे आ गए। ये स्पॉट मीटरिंग मोड पे यहाँ पे आने के बाद
आपको ये स्पॉट मीटरिंग मोड सेट कर देना है। स्पॉट मीटरिंग मोड मतलब जहाँ पे आपका फोकस का पॉइंट होगा वह उसी जगह पे पूरा फोकस करेगा। तो यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि आसमान में रात के समय तो बिल्कुल काला होता है, तो हमें कोई और जगह फोकस रखने की जरूरत नहीं। हमें जो हमारा एक मेन फोकस पॉइंट है वो है हमारा सिर्फ एक मून, तो हमें मून को ही कैप्चर करना है। अगला हमारा है यहाँ पे शूटिंग मोड होगा, हमें सिंगल शूटिंग मोड पे रखना है। ठीक है दोस्तों, यह नीचे स्पॉट मीटरिंग मोड से बिल्कुल यहाँ पे सिंगल शॉट पे रखना है हमें कि हम एक बार एक तस्वीर खींचे तो एक ही बार खींचे। क्या होता है इसमें एक सेटिंग होती है कि यहाँ पे ये है सिंगल शूटिंग मोड, हम इसे रखना है इधर क्लिक करके इस पे। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस पे रखते हैं कंटिन्यू शूटिंग मोड पे, ये होता है कंटिन्यू, यहाँ पे हमें बिल्कुल नहीं रखना है क्योंकि इस पे रख के क्या होगा कि जैसे ही हम एक बार हम क्लिक करेंगे फोटो खींचने के लिए, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे धड़ाधड़ 5-6 एक साथ वह फोटो खींच देगा। तो हमें ये नहीं रखना, सिंगल शूटिंग मोड पे हमें क्लिक करना है क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे होता है इक्लिप्स, ज़्यादा तेज नहीं होता, तो हमें सिंगल शूटिंग मोड का ही इस्तेमाल करना है। अब हम आते हैं यहाँ अपने फाइल की कि हमारा फाइल का आउटपुट क्या होगा। जैसे ये पूरी सेटिंग करने के बाद हमारे जो फाइल का आउटपुट निकलेगा कैप्चर करने के बाद वह क्या होगा, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप रॉ फाइल पे ही उसे कैप्चर करें। रॉ फाइल पे कैप्चर करने का फ़ायदा यह होता है कि आप उसे कंप्यूटर में एक फाइनल टचअप अच्छी तरीके से दे सकते हैं। अगर आप JPG में करना चाहते हैं तो आप JPG में करिए। अगर आपके पास मेमोरी कार्ड, जो आप मेमोरी कार्ड इसमें यूज़ करते हैं वह एक अच्छा GB का है, यानी कि 32 GB 64 GB का है, तो आप रॉ का यूज़ कीजिए। मैं तो ये करूँगा, जिन पे ज़्यादा वो नहीं है मेमोरी कार्ड, जिन पे 8 GB का है या 16 GB का है, वह JPEG भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब रॉ पे क्लिक करिए या JPEG पे क्लिक करिए, वह आपके ऊपर निर्भर करता है, इससे सेटिंग का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपको रॉ के लिए रिकमेंड करूँगा। तो दोस्तों अब हम आते हैं वाइट बैलेंस पे। दोस्तों वाइट बैलेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है वाइट बैलेंस, ये जो आप AWB देख रहे हैं ये वाइट बैलेंस की सेटिंग है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपना इस सेटिंग को दो मोड पे रख सकते हैं, एक ऑटो मोड पे। ठीक है दोस्तों, ये है ऑटो मोड जहाँ पे AWB लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे AWB लिखा होगा वो होगा ऑटो वाइट बैलेंस। ठीक है, आप ऑटो वाइट बैलेंस पे रख सकते हैं, और दूसरा क्लाउडी, आप इसे क्लाउडी पे भी रख सकते हैं। मैं इस पूरे सेटिंग का आउटपुट आपको इस एंड की वीडियो में दिखाऊंगा कि ये सेटिंग करने के बाद कैमरा क्या तस्वीर खींचता है चांद की। ठीक है दोस्तों, हम वाइट बैलेंस ऑटो पे सेट कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑटो पे ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब आपके लेंस में अगर स्टेबलाइज़र का ऑप्शन है तो वह ऑन है, तो प्लीज़ उसे ऑफ़ कर दीजिएगा क्योंकि हम अपना ट्राइपॉड पे ही कैमरा लगाएंगे, हाथ पे नहीं लेंगे, तो आप इस चीज़ को ऑफ़ कर दीजिएगा, यहाँ पे कर दीजिएगा। अगर वह ऑन है, अगर वो इस साइड है, नहीं रखना इसे ऑफ़ कर दीजिएगा स्टेबलाइजर को, अगर आप में है तो, वरना जिन में नहीं है वो कोई बात नहीं, वो इस चीज़ को मत देखिएगा, और जिन में है वह इसे ऑफ कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये हो गई हमारी कैमरा की सेटिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस सेटिंग से खींची हुई कुछ तस्वीर। इसका एक्सपोजर 1/250 है विद ऑटो वाइट बैलेंस के साथ। अब देख सकते हैं दोस्तों, जो मैं एक्सपोजर की बात कर रहा हूँ वह ये है, शटर स्पीड यानी कि शटर स्पीड एक्सपोजर दोनों एक ही है, वह ये है। इसे आप 1/250 पर रखिएगा, और अगला 1/400 मैंने थोड़ा चेंज किया है, उस पर करने के बाद यह आता है, यह रिजल्ट है, ये देख सकते हैं आप, ये भी ऑटो वाइट बैलेंस पे है। ये है 1/250 शटर स्पीड विथ क्लाउडी वाइट बैलेंस, जो मैंने आपको बताया था क्लाउडी वाइट बैलेंस पे थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, इसका येल्लो हो गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं वह यह तस्वीर थोड़ी लाइट रूम में एडिट की हुई है, तो यह है फाइनल आउटपुट, यह देखिए आप दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। जो लोग मून फोटोग्राफी करने का शौक रखते हैं आज जरूर इस सेटिंग को इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए बताइएगा मुझे कि आज आपका आउटपुट कैसा आया। अगर आज मुझे समझाने में कोई दिक्कत हुई हो, परेशानी हुई हो, मैं जो टॉपिक आज का नहीं ढंग से समझा पाया हूँ, या आपको समझ ना आया हूँ, या कुछ गलत हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आप सीधा डायरेक्ट मुझे मेल भी कर सकते हैं। और जो ये तस्वीर जो मैंने आज आपको दिखाई है, ये जो आज का डाटा है, जिस वेबसाइट जिस चैनल की मदद से ये मुझे मिला है, उसका चैनल का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वह चैनल भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।
धन्यवाद उस चैनल का, उन्होंने इतना अच्छा डाटा दिया है हम लोगों को, जिससे मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हिंदी में। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर भी सुन सकते हैं और अच्छी तरीके से। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिएगा, धन्यवाद, शुक्रिया आपका मेरे चैनल देखने के लिए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को तो दोस्तों जरूर ही प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी अगली वीडियो आएगी तो आपको पता लग जाएगा। अगली वीडियो मेरी कल आएगी, कल आपको पता चलेगा कि ग्रीन स्क्रीन हम फोटोशॉप में 5 मिनट के अंदर कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो पे, धन्यवाद।